सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। आओ इक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना नूं लैके कई सूबिआं विच नौजवानां ने किया हिंसक प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनां नूं लगाई अग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के धर्मशाला में किया रोड शो। रोड शो में उमड़िया लोगों का हजूम। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया शानदार स्वागत। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के कातल के मामले में स्टेटस रिपोर्ट आई सामने। पुलिस ने कातल केस में 10 मुलजम किए काबू। लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला के कातल के मामले में मास्टरमाइंड। केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना नूं लैके कई सूबिआं विच विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए ने। बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश के विच विरोध प्रदर्शन दीआं खबरां सामने आईआं ने। इस भर्ती योजना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने कई थाई ट्रेनों अग लगा दी और रेलवे ट्रैक जाम कर दिए। दरअसल इस योजना के तहत 4 साल की म्याद लई ठेके के आधार उत्ते नौजवानों की भर्ती का प्रस्ताव है, जिस तो बाद ज्यादातर ग्रैचुटी और पेनशन लाभों तो बिना लाजमी सेवा मुक्ति का भी प्रस्ताव है। इस योजना के विरोध में बिहार में भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। कांग्रेस के सबका प्रधान राहुल गांधी ने फौज, जल सेना और हवाई सेना में फौजियों की भर्ती केंद्र की नवी अग्निपथ योजना उत्ते वीरवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्ते निशाना बिन्या। उन्हें कहा कि प्रधानमंत्री को बेरोजगार नौजवानों की आवाज सुननी चाहिए है और उन्होंने संजम की अग्नि परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिस विच उन्होंने लिखा कि कोई रैंक नहीं, कोई पेंशन नहीं ते ना ही 2 साल तो कोई सीधी भर्ती, ना 4 साल बाद स्थिर भविख, ना सरकार का फौज प्रति सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन दौरे उत्ते हिमाचल के धर्मशाला पहुंचे। प्रधानमंत्री ने सवेरे धर्मशाला पहुंचने मगरों रोड शो किया। उन्होंने नाल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। खुली जीप में सवार प्रधानमंत्री ने हाथ हिला के लोगों का स्वागत किया। रोड शो दौरान प्रधानमंत्री का स्वागत करने लिए रवायती पोशाकों में सजे वक्ख-वक्ख सभ्याचारक समूहों के मैंबर ने अपने संगीतक साजा नाल पेशकारी दी। इस तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख सकत्तरां दे अखिल भारतीय सम्मेलन की प्रधानगी भी की है। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा लिए ऑनलाइन हैलीकॉप्टर बुकिंग पोर्टल लॉन्च किया है। सालाना तीर्थ यात्रा 30 जून तो शुरू होनी है। पोर्टल को लॉन्च करने बाद उप राज्यपाल सिन्हा ने ट्वीट किया, श्री अमरनाथ यात्रा लिए ऑनलाइन हैलीकॉप्टर बुकिंग सेवा पोर्टल शुरू किया गया। पहली बार श्रद्धालु सीधे श्रीनगर तो पंचतरणी आसानी नाल पहुंच सकते हैं, एक दिन में पवित्र यात्रा पूरी कर सकते हैं। सिन्हा ने दसा कि श्रद्धालु बुकिंग लिए श्राइन बोर्ड की वैबसाइट उत्ते आसानी नाल लॉगिन कर सकते हैं। मशहूर पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला के कतलकांड की स्टेटस रिपोर्ट सामने आई है। इस स्टेटस रिपोर्ट में पंजाब पुलिस ने भी लॉरेंस बिश्नोई ही सिद्धू मूसेवाला के कतल का मास्टरमाइंड मने। सूत्रों मुताबिक पंजाब पुलिस ने 4 शार्प शूटर की पछाण की है। फिलहाल इन्होंने शूटर की पछाण बारे पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया। इस तो पहला दिल्ली पुलिस भी लॉरेंस बिश्नोई मूसेवाला कतलकांड में मास्टरमाइंड करार दे चुकी है। इतने भी दर्शनयोग है कि हुण तक इस हाई प्रोफाइल कतलकांड 10 मुलजम गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिन्हों के रोल बाबत भी स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया। इस दरमियान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तो पूछगिछ जारी है। सूत्रों मुताबिक लॉरेंस ने वड्डे खुलासे किए हैं। सूत्रों मुताबिक लॉरेंस ने गोल्डी ब्राड नाल अपने संबंधों का खुलासा किया है। कई सिंगरों तो रंगदारी रहने की गल कबूली है। बिश्नोई तो कल तो 10 तो 11 घंटे तक लगातार पूछगिछ की जा चुकी है। नैशनल हैराल्ड केस में कांग्रेस के सबका प्रधान और सीनियर आगू राहुल गांधी तो इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट वालों की जा रही पूछगिछ के विरोध और इस लैके कांग्रेसी आगुओं और वर्करों वालों किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों दौरान पुलिस की कार्रवाई खिलाफ पंजाब कांग्रेस ने राजभवन सामने रोस प्रदर्शन करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने बैरीकेड लगा के कांग्रेसी वर्करों और आगुओं पंजाब कांग्रेस भवन नेड़े रोक दिता। जदों इस दौरान कांग्रेसियों ने बैरीकेड तोड़न की कोशिश की तो चंडीगढ़ पुलिस ने इस रोकने लिए वर्करों उत्ते पानी दीआं बुछाड़ां छड्डियां। यह प्रदर्शन पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की अगवाई में किया गया। इस तो बाद वड़िंग ने प्रदर्शन में शामिल होने वालों का धन्यवाद किया, कहा कि मोदी सरकार
सच की आवाज न दबाना चाहती है। बहुत सारे लोग तुसी पहुंचे इस मार्च दे विच, मैं सब तो पहला थोड़ा सारे दा बहुत धन्यवादी हाँ। और नाल ही नाल तुसी लोगों ने जिस तरह लड़ाई लड़ी पानी दियां बुछारां और जो पुलिस दा धक्का मुक्की सिया, मैं समझदा कि अज मैनू यकीन हो गया कि तुसी लड़ाई लई तैयार हो। सो थोड़ा सारिया का और खास बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने लोगों का जेड़े पानी के उगे अगे डट के ढाल बन के खड़े रहे, तो उस बाद गिरफ्तारी भी दी। बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद और खास करके तमाम सत्कारयोग लीडरशिप का जेड़े साढ़े सीनियर आगू साहबान इस उम्र च भी कांग्रेस पार्टी और आपके बच्चों आशीर्वाद देने उन्होंने शमूलीयत की। लोकतंत्र अगर रहेगा तो मेरा ख्याल सब की आवाज बुलंद रहेगी। जमहूरीयत का कान हो रहा है, कतल हो रहा है और रोजाना उन्होंने लोगों जेडे अपनी आवाज बुलंद करते हैं सिस्टम के खिलाफ, उन्होंने एजेंसियों तो डराया जाता है, उन्होंने धमकाया जाता है और उन्होंने डरा धमका के जेल का वेरवा दे के उन्हें दी आवाज बंद कराने की कोशिश की जाती है। पर मैं उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के तुसी लोग असी हमेशा इस भगत सिंह की धरती के वारस हैं, उधम सिंह जी की धरती के वारस हाँ, साड़ी आवाज कोई दबा नहीं सकता। ठीक है, समा करवट लेंदा, समा समा की गल है, लेकिन साड़ी आवाज नू दबाया नहीं जा सकता। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों लोक सभा हलका संगरूर विच हो रही जिमनी चोण विच आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमेल सिंह दे हक विच वख-वख थाई रोड शो कढे गए। भदौड़ ते पखों कलां विच पार्टी वर्करां वालों फुल सुट के उन्हां दा स्वागत किया गया। इस मौके भगवंत मान ने कहा कि 70 सालों की उलझी ताणी नूं सुलझाउण दीआं कोशिशां जारी ने। उन्हां कहा कि जिन्हां सियासतदानां ने लोगों का पैसा खाधा वह उन्हां तों वसूलिया जाएगा। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, 70 ਸਾਲ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਸਿਰੇ ਲੱਕ ਲਏ, ਕਈ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪੀਲਾ ਮਾਚਿਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ कोई कहिंदा जी एमपी बना दो बंदी सिंह रिहा हो जाएंगे, दो बारी किसी एमपी बन के क्लॉज च नहीं लिखा है। जो तुम एमपी बन जाओ तो जेड़ा कोर्ट ने सजा दी है उन्हें छड़ा दोगे। जे एमपी बन में बंदी सिंह छुटते हैं तो पहला हरसिमरत सुखबीर बादल छड़ा उदो नहीं एमपी। मैं चाहना मैं चाहना कि जिन्हों दिन सजावं पूरी हो गई बाहर आने चाहिए। जेडे कानून ने उन्होंने अंदर भेजा उही कानून यह भी कहता कि इन्ने चिर तो बाहर आ जाएगा। मैं चाहना हक चा कले पंजाब के नहीं, तमिलनाडु के, गुजरात के बहुत सारे लोग बैठे जेलों से जिन्हें जेलों की सजा पूरी होगी पर नहीं बाहर किए। पर यह थोड़ी है कि सू एम पी बनाओ फिर करा, यह की गल है।
श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के हक में रोड शो करने उत्ते तंज कसिया। उन्हें कहा कि भगवंत मान का रोड शो नहीं बल्कि पुलिस का शो है। उन्हें कहा कि जे भगवंत मान च हिम्मत है तो इकले रोड शो करके विखाण। दस दिए कि सुखबीर सिंह बादल संगरूर जिमनी चोण में पार्टी उम्मीदवार बीबी कमलदीप कौर राजौन के हक में चोण प्रचार कर पहुंचे सन। आ रोड शो है ही नहीं, पुलिस शो है। वो पुलिस नूं पुलिस कली दिखती है, रोड शो तो है नहीं। जे भगवंत मान साहब की हिम्मत है वो पुलिस नूं पासे कर दिओ फिर रोड शो कर। संगरूर जिले वह अपना जिला के हिम्मत नहीं है कल आउंदी। क्योंकि असी बंदी सिख नहीं है, आ बंदी सिख परिवार है। जे सी एम साहब तुसी जे भगवंत मान चाहे प्रोफेसर भुल्लर शाम नूं वापस आ सकते हैं। पंजाब दी भगवंत मान सरकार वालों पंजाब दे लोकां नूं दिल्ली एयरपोर्ट तक दे किफायती अते आरामदायक बोलवो सफर दे ऐलान नूं अमली जामा पहनाउंदिआं नवांशहर दे बस अड्डे तों पहली बस सवारियों नूं लैके दिल्ली एयरपोर्ट लई अज रवाना होई। जिले दी अपनी बोलवो दा प्रबंध होण तक होशियारपुर तों चलण वाली बोलवो ही नवांशहर नूं दिल्ली एयरपोर्ट नाल सड़की मार्ग राहीं जोड़दी रहेगी। जीएम रोडवेज नवांशहर डिपू जसवीर सिंह अनुसार अज इस बस नूं रस्मी तौर उत्ते दिल्ली एयरपोर्ट लई हरी झंडी विखा के रवाना किया गया। बस में सफर करने वाले यात्री ने पंजाब सरकार के उपराले की शलाघा की है। उन्हें कहा कि इस नाल उन्हें सस्ता और आरामदायक सफर मुहैया होगा। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक उच्च पद्धरी सत मैंबरी वफद ने कौमी घट गिणती कमिशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा नाल मुलाकात करके कई अहम सिख मसले चुके ने। श्रोमणी कमेटी के इस वफद में जनरल सकत्र जयदार करनैल सिंह पंजोली अंतरिंग कमेटी मैंबर सरवण सिंह कुलार ते होर नुमाइंदे शामिल रहे। वफद दे मैंबरां ने श्रोमणी कमेटी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी वल्लों भेजिया सिख मसलियां बारे पत्र कौमी घट गिणती कमिशन दे चेयरमैन नूं सौंपदे इन्हां ते सरलीकरण की मंग की है। कौमी घट गिणती कमिशन दे दफ्तर पुजे श्रोमणी कमेटी दे वफद ने उचेचे तौर उत्ते पंजाब अते पंजाब तों बाद सिखां नूं ईसाई मिशनरियां वल्लों वख तरह के लालच अते धोखे नाल ईसाई बनाउण दा मामला भी उठाया। जयदार पंजोली ने कहा कि कौमी घट गिणती कमिशन दे चेयरमैन सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने श्रोमणी कमेटी वालों उठाए गए सिख मसलों नूं संजीदगी नाल लैण दा भरोसा दिता है। साबका आईपीएस अफसर किरण बेदी वालों सिखां प्रति की गई टिप्पणी उत्ते सख्त इतराज प्रगट करदिआं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के वधीक सकत्र प्रताप सिंह ने इसकी सख्त शब्दों में निखेधी की है। वधीक सकत्र ने कहा कि किरण बेदी नूं सिख इतिहास पढ़ना चाहिए तां जो उसनूं सच का पता लग सके। उन्हें कहा कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों किरण बेदी नूं कानूनी नोटिस भेजा जा रहा है तां जो इस खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की जा सके। जड़ी किरण बेदी ने सिखां दे 12 वजे ते कमेंट किया, शायद ये इतिहास भुल चुकी है। जो सिख जदों मुगल हिंदुस्तान ते हमला करते सन वो इन्हां दीआं धीआं भैणां, चलो मैं किसी धर्म का नाम लैंदा, इन्हां धीआं भैणां चुक के ला जांदे सी। उस समय सिख रात नूं अद्धी रात नूं लगभग तुसीं कह सकदे आपां कि 12 वजे हमला करके ते इन्हां दे धीआं भैणां नूं छडाउंदे सी। उस 12 वजे दे नूं अज ये मखौल का विशा बना रहे ने। इन्हां नूं इतिहास पढ़ना चाहीदा, खास करके किरण बेदी वर्गी जिहड़ी अपने आप नूं पढ़ी लिखी आ ते आईपीएस अफसर भी शायद रह चुकी आ, जे वह इतिहास ही नहीं जानती फिर वो ये कह रही है कि वेखो कोई सिख तो नहीं बिच। उन्हें यह शर्म आनी चाहिए है कि सिखां ने इन्हां दीआं इज्जतां जिहड़ियां बचाईआं ने, यह सिखां ते हमला करके मखौल डाल के की साबित करना चाहती है, ये मेरी समझ तो बाहर आ। इन्हूं तुरंत सिख कौम तो माफ़ी मंगनी चाहिए आ। एक पासे संगरूर जिमनी चोण नूं लैके चोण प्रचार जारी है, दूजे पासे बेरोजगार टैट पास ईटीटी अध्यापकां ने संगरूर दे बीएसएनएल पार्क तों आम आदमी पार्टी दे दफ्तर तक रोस मार्च कढ़िया। जदों अध्यापक आम आदमी पार्टी संगरूर दे दफ्तर नज़दीक पहुंचे इस मौके उन्हां दी पंजाब पुलिस नाल जबरदस्त धक्कामुक्की हुई जिस कारण कई अध्यापक फट्टड़ हो गए। इस मौके उन्हें कहा कि सरकार अपने वादियां तों मुकर रही है जिस कारण उन्हां नूं रोस प्रदर्शन करना पिया। पटियाला की केंद्रीय जेल में मोबाइल फोन की बरामदगी के मामले में मुलजम दसे जा रहे कैदी ने पटियाला के रजिंदरा अस्पताल में
दोष लगाए गए। पुलिस वालों उसकी कुटमार की गई जिस कारण वह जख्मी हो गए। नौजवान का नाम हरमनजीत सिंह दसा जा रहा है। हरमनजीत सिंह के वकील ने दावा किया कि जेल में पुलिस मुलाजमान ने हरमनजीत सिंह की कुटमार की, जबकि दूजे पास पुलिस मुलाजम ने कहा है कि नौजवान तो फोन बरामद होया सी, जिस तो बाद इसने खुद को जख्मी करके ड्रामा किया। अमृतसर के हाल गेट के बाहर ठंडे मिठे जल की छबील लगाई गई। इस मौके बीजेपी एससी मोर्चा जिला प्रधान संजीव कुमार, सिख स्टूडेंट फेडरेशन मेहता के कौमी प्रधान अमरबीर सिंह ढोट, प्रिंसीपल सुमित पुरी, मानवाधिकार संस्था के कौमी प्रधान कमल पहलवान, प्रधान भगत आकाश खेमका, सरबजीत करण महाजन, बबलू महाजन और होर सेवादार हाजिर रहे। श्री हरगोबिंदपुर के नजदीक पेंदे कस्बा घुमाण के मेन बाजार में गुरु कृपा नाम की बुटीक च भयानक अग लगन लखां रुपए का समान और कपड़े सड़के सुआह होने का समाचार प्राप्त होया। तीसरी मंजिल उत्ते लगी अग नूं बुझाउण लई फायर ब्रिगेड के अमले नूं काफ़ी मुशक्कत करनी पई। इस मौके घटना स्थान उत्ते पहुंचे SHO घुमाण ने कहा कि अग लगन का कारण शॉर्ट सर्किट दस्सिया जा रहा है। बुटीक की मालकिन रीतू बाला ने कहा कि अग लगन नाल उन्हां दा तकरीबन 12-13 लख रुपए का नुकसान हो गया। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इन्ना ही। जाते जाते नज़र मारते हैं मौसम के हाल उत्ते। बने रहो चढ़ती कला टाइम टीवी के नाल। धन्यवाद।